वेलकम बैक टू टेक थेरेपी, मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं पोर्टेबल एयर मिनी कूलर का। ये जो कूलर है दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा मिनी एयर कूलर है, जो आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठंडी हवाओं का सामना कराएगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, बारिश अभी आई नहीं है, तो हमने इसको मंगा लिया अमेजोन से सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज में। चलिए चेकआउट करते हैं कितनी ठंडक मिलने वाली है इसके अंदर। ये दोस्तों इसका बॉक्स, यहाँ पे लिखा है आर्कटिक एयर अल्ट्रा, और इंजॉय कूल आपको मिलने वाली है, क्लीन एयर मिलती है इसके अंदर, और पर्सनल स्पेस कूलर है, यानी कि पर्सनल कूलर रहता है ना, छोटा सा पर्सनली होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है एडजस्टेबल 3 स्पीड, मतलब जो फैन है वो एडजस्टेबल है, और यहाँ पे आपको क्वाइट ऑपरेशन मिलेगा, लाइट वेट है, पोर्टेबल है। सबसे खास बात क्या है कि RGB लाइटनिंग के साथ आता है, यानी कि आपका अगर इस तरह का कोई सेटअप है, YouTube सेटअप है, गेमिंग सेटअप है, या ऑफिस के अंदर भी रखना चाहते हैं, तो एक RGB इफेक्ट का मजा उठा पाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से खुलता है। सबसे ऊपर आपको मिलेगी पोर्टेबल एयर कूलर की गाइड, ये हमारा कूलर, बाय बाय। ये है दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ दिस मिनी एयर कूलर। एंड दोस्तों, चैनल पे पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो टेक थेरेपी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। प्लास्टिक की बॉडी है, काफी लाइट वेट है, देखिए आप एक हाथ से उठा सकते हैं इसको। सो फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो काफी लाइट वेट दोस्तों लग रहा है, व्हाइट और ब्लैक फिनिश के साथ आता है, ब्लैक तो नहीं, ग्रे कलर की फिनिश है। सामने की तरफ आपको इस तरह से इसके वेंट्स मिलते हैं। Stop it. Get some help. और दोस्तों यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको बटन मिलता है फैन के लिए, इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लेवल है फैन के जो दिए गए हैं, अभी ऑन करेंगे इसको, और यहाँ पे RGB के लिए लाइट दी गई है। और ये जो पूरा इसका सामान है ये बाहर आ जाता है, खुल जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से ये पूरा बाहर आ जाएगा। और ये जो पूरा ब्लॉक है ये आपको पूरे फिल्टर देखने के लिए मिलते हैं, और इनको आप साफ कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल कूलर की क्लीनिंग करते हैं ना, एकदम वैसे ही इसको भी आपको क्लीन करना है। और ये ब्लॉक इसमें लग जाता है इस तरह से, ये इस तरह से लग जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैन लगा हुआ है अंदर की तरफ, ये फैन का साइज है, बहुत ही छोटा सा ये फैन है। चलिए ऑन करते हैं और देखते हैं कितना इसका एयर फ्लो है। दोस्तों ये इसकी पावर केबल, USB केबल कुछ भी कह सकते हैं आप, और 5 वोल्ट DC से चलता है ये। ये जो आपका पोर्ट है यहाँ पे आपको पीछे इसको लगा देना है इस तरह से। और सबसे खास बात क्या है कि आप इसको किसी भी USB के पोर्ट से चला सकते हैं, यानी कि लैपटॉप से भी चला सकते हैं, चार्जर से भी चला सकते हैं, और स्मार्टफोन से भी दोस्तों ये वर्क करता है। सबसे बढ़िया बात मुझे ये भी लगी है, कहीं भी बैठिए और इसको लगाइए, जैसे कि लैपटॉप रखा है इसमें लगा देते हैं हम। ऊपर की तरफ बटन है, इसको प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया है ये, और थोड़ा सा वाइब्रेट भी करता है जब ये ऑन हो जाता है। और यहाँ पे आपको लेवल मिलते हैं एयर फ्लो के, आप इनको अलग अलग लेवल पे चला सकते हैं। अभी ये 2 नंबर पे चल रहा है, ये 1 नंबर, और ये ऑफ हो जाएगा, फिर प्रेस करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। मैक्सिमम एयर फ्लो है ये जब तीनों पे लाइट जलती है। एयर फ्लो की दोस्तों बात करें तो अभी तो मुझे एयर फ्लो ठीक लग रहा है, ज़्यादा तेज़ तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये मिनी कूलर है तो उसी हिसाब से इसका एयर फ्लो है। ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे आप इसमें वाटर डालेंगे ताकि जो हवा है वो ठंडी आपको मिले। इसके अंदर आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, और वाटर भी ये लेता है यहाँ से। ये दोस्तों ऊपर की तरफ इसका टैंक है पूरा यहाँ तक, तो यहाँ से आप वाटर इसमें डालेंगे। और वाटर डालने के बाद सबसे बढ़िया चीज़ इसमें क्या होती है कि इसके अंदर से एक स्प्रे टाइप का गन लगी हुई है नीचे की तरफ, और ये स्प्रे करता है वाटर को। पानी डालने के बाद दोस्तों इस तरह से वाटर का स्प्रे भी इसमें आता है, ये एक अलग चीज़ मुझे लगी है। पहले मैं देख रहा था कि स्प्रे आ कहाँ से रहा है, तो अंदर मैंने देखा कि एक गन टाइप का लगा हुआ है जो अंदर से स्प्रे करता है ठंडे पानी को। तो ये आप देख सकते हैं कैमरा के अंदर, ये इस तरह से स्प्रे जा रहा है, और ये मेरे पूरे फेस पे भी आ रहा है, तो बहुत ठंडा फील हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं अंदर से किस तरह पानी का फव्वारा चलाया जा रहा है, मुंह को एकदम ज़बरदस्त तरीके से ठंडा किया जाएगा अगर आप इसको अपने फेस पे लगा लेंगे। सो ये चीज़ मुझे काफ़ी अनोखी लगी है इसके अंदर। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने रिव्यू के बारे में, कैसा वर्क ये करता है पोर्टेबल मिनी कूलर। सो हमने इसको काफ़ी यूज़ किया है ऑफिस के अंदर भी, यूट्यूब के स्टूडियो में भी, और गेम प्ले भी किया है। तो गेम प्ले जब हम करते हैं, लैपटॉप के अंदर काफ़ी गर्मी हो जाती है, चाहे PC हो चाहे लैपटॉप हो, तो उस गर्मी से बचने के लिए इस तरह का मिनी कूलर अगर आप रखेंगे तो कैसी फीलिंग ये आपको देगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बिना वाटर के इसको बिल्कुल नहीं चलाना। पानी के बगैर इसको आप यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे एकदम बेकार प्रोडक्ट है, मज़ा नहीं आ रहा है। वैसे ही हमारे साथ भी हुआ था, बिना पानी के टेस्ट किया, एयर फ्लो में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत कम लग रही थी। जैसे ही इसके अंदर ठंडा पानी डाला गया है
ठंडा पानी डालने के बाद तो इसने तहलका मचा दिया। पानी के साथ साथ इसके अंदर आइस क्यूब आप डालिएगा। आइस क्यूब डालने के बाद तो मजा ही आ जाता है, बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये इतना छोटा सा मिनी कूलर इतनी जबरदस्त हवा आपको दे सकता है। तो रिजल्ट्स बेहतर पाने के लिए आइस क्यूब का इस्तेमाल करें। छोटा सा इसका चैम्बर है, आइस क्यूब इसके अंदर भर दीजिए और पानी भी डाल दीजिए, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा और ठंडी हवा ही अंदर से देगा। एयर फ्लो इतना ज्यादा नहीं है, सो एक पर्सन के लिए ही ये बनाया गया है। पर्सनल कूलर, मिनी कूलर, इसीलिए इसका नाम है दोस्तों, कि आप अपनी तरफ इसका एयर वेंट रखेंगे तभी आपको मजा आएगा। बहुत सारे लोग इसके आगे बैठ जाएंगे तो उनको हवा नहीं आएगी। सो काफी अच्छा लगा, आइस क्यूब के बगैर मजा नहीं आ रहा था, आइस क्यूब डालने के बाद अच्छा इसने रिस्पांस दिया है। इसका परचेज लिंक बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। अमेजोन पे सेल हो रहा है, 1000 रुपीस के आसपास मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में जो भी इस तपती गर्मी से परेशान है और ढूंढ रहे हैं एक छोटा सा पोर्टेबल मिनी कूलर। एंड यस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे आ जाइए, वहां पे इस तरह की डील्स हम डालते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। इसी तरह हैव अ नाइस डे।